गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। और भाई, वहीं से जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कमेंट देखे थे काफ़ी ज़्यादा, भाई गुस्से भी हो गए थे, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। यार ये आपकी बताया है ना इंस्टा वालों को, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? दीदी, बिना भी एक क्षण गवाए अब अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। हाँ जी यार, यहाँ वो मंत्रा नहीं है, अब शांता के पास ले जाओ। सोने की बनी माता नहीं जाएगी साथ हैं दीदी, हम आ रहे हैं। जा रहे हैं भाई, साथ ही जा रहे हैं। बच्चे जाएंगे यार। आप तो कुछ बोलना चाहिए, यही एक मसल जा रही है भाई साथ में। समझ गई ना क्या कह रहा है? संकल्प से जाना है तुम्हें, जाना है तो बोलो। इनको अपनी तो मैं जैसा कहती वैसा करो, तो बुलाओ सबको। अचानक से पीड़ा होने लगी, बहुत दुख रहा है। मेरी दीदी को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी दीदी को बचा लीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है पेट में। हाँ? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुमने खाने में क्या खाया था? मैं जीवित नहीं रहने वाली, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। दासी, पाकशाला में पीड़ा के लिए औषधि है, वो ले आओ तुरंत, जाओ। लग रही है मांडवी। सीता जी,
मैं संकट से जाने से दुखी हो रही थी, अब लग रहा है जैसे संसार से ही जाने का समय आ गया है। चिंता मत करो मानवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैद्यराज को बुलाने के लिए समय व्यर्थ मत कीजिए, बस बस मेरी कुछ इच्छाएं हैं, कह दीजिए कि आप उन्हें पूरी कर देंगी। अब तो हमें यही रहना होगा, पिताजी को बहुत दुख होगा, पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी विवश हैं और दीदी इतनी अस्वस्थ है, यहाँ तो सब है उनकी देखभाल के लिए, पर वहाँ संघर्ष में पता नहीं कौन होंगे। संघर्ष की बात कर रही हो, इतनी पीड़ा है मुझ में कि जनकपुरी क्या इस भवन से भी बाहर नहीं जा सकती हूँ मैं। मान गई दीदी, कुछ नहीं होगा। शक्ति नाटक करती हूँ मेरे साथ, मुझे समझाए मुझे। तुम दोनों चाहो या ना चाहो, किंतु हम संस्कृतियाँ जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पिताजी को राजा बनते हुए देखना चाहती हूँ, और यदि इसके लिए कोई परिवर्तन आवश्यक है तो है। हम यहां से जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मेरा अंतिम निर्णय है, समझ गई तुम दोनों? नहीं तो हम तो यहाँ उनके लिए उपहार तैयार कर रहे हैं।
फिर से ये कोई उन दोनों का नाटक तो नहीं है संकट से ना जाने के लिए। चलिए तो बताओ मुझे। हमें ज्ञात नहीं छोटी माँ, हम पर विश्वास करिए। किंतु सीता को ज्ञात होता तो वो छुपाती नहीं। तो कहाँ चली गई है तुम? सभी स्थानों पर तो देख लिया हमने। राजभवन में, उद्यान में, हर स्थान में मैंने उन्हें देखा, किंतु वो दोनों कहीं नहीं गए। कहाँ चली गई मेरी बहन? काफ़ी यार एक प्रॉब्लम हो गई है ये तो बड़ी, लेकिन दूसरी तरफ एक देखा जाए ना तो एक राम जी ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है कि जो उन्होंने अपनी एक माता को एक बोला है कि वो शांता जी को जाकर मिलाएंगे या उनको घर वापस लेकर आएंगे, और यही रीज़न था कि जिसकी वजह से एक महाराज क्या ना एक बनती नहीं रही महारानी के साथ, वो एक दूसरे के साथ सही से बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब एक बार महारानी ने ज़रूर एक महाराज की तरफ देखा है और वो चीज़ एक काफ़ी अच्छी लगी है। वही उनकी एक प्रॉब्लम थी मेन जिसकी वजह से भाई उनकी मतलब कि आपस में एक फाइट हुई थी, तो इसी वजह से आप वो तो प्रॉब्लम भाई एक राम जी ने एक सही कर दिया है, वो अपनी बहन से भाई मिलने भी जा रहे हैं और माता भी साथ है, वो एक खुशी वाली बात है। लेकिन इधर काफ़ी ना सीन अब चेंज होने लगा है, वो बेचारी लड़कियां तो एक जाना नहीं चाहती एक दूसरे को छोड़कर। नहीं देखो ना, वो दोनों का दिल नहीं है उधर जाने के लिए, क्योंकि लेकिन उनकी माता थोड़ी सी उनके अंदर एक ये चीज़ है कि हम जो है ना वो वहाँ पे हमारा एक राज्य होगा, हम जो है ना वो बड़े एक मतलब महाराज वहाँ पे जाके बस, ज़ाहिर बात है पूरी एक रियासत उनके हाथ या उनके अंडर होगी, जिसका उनको शौक है वो बाकी उनकी बेटियाँ महारानी के नाम से पुकारी, हालांकि इधर भी महारानी ही हैं, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जा रही है। लेकिन अब देखो वो लड़कियाँ भाई अभी तक तो नहीं दोनों राजी, पहले भी उन्होंने एक एक्टिंग की जो कि मतलब फेल हो गई, अब फिर पता नहीं अब किधर चली गई हैं। हाँ अब उनका यही लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं छुप जाएं ताकि ये हमें लेकर ना जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि वो जाती हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।